तो दोस्तों आईपीएल 2020 का सीजन 19 सितंबर से शुरू होने वाला है और दोस्तों आईपीएल 2020 के लिए इस बार सभी टीमों का एक बड़ा ही खतरनाक स्क्वाड बन चुका है। और आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कौन सी हो सकती है वह चार टीमें जो हमको आईपीएल 2020 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई होती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों यह सभी चारों टीमों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2020 में आपकी फेवरेट टीम एक जबरदस्त शुरुआत करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले इस लिस्ट में चौथी टीम के बारे में बात करें तो दोस्तों चौथे नंबर पर नाम आता है सनराइजर्स हैदराबाद का। दोस्तों अगर हैदराबाद टीम के बारे में सबसे पहले बात करें तो दोस्तों हैदराबाद टीम की जो सबसे खास बात है वो दोस्तों इस टीम की है कंसिस्टेंसी। अगर हम दोस्तों पिछले चार साल उठाए, चाहे हम 2016 उठाए, 17 उठाए, 18 उठाए या फिर 2019 उठाए, इन चारों सालों में हैदराबाद की टीम का स्क्वाड सभी टीमों के मुकाबले उतना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी जो इस टीम के सभी खिलाड़ी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं तो दोस्तों वही ऐसी एक खासियत है जो इस टीम को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। क्योंकि दोस्तों यह टीम पिछले चार सालों से लगातार क्वालिफाई तो कर ही रही है, साथ ही अगर हम ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के बारे में बात करें तो हर बार यह ऑरेंज कैप पर्पल कैप भी इस टीम के इर्द गिर्द रहती है। पिछले तीन सालों से तो हैदराबाद की टीम ही ऑरेंज कैप जीत रही है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम टेक्निकली इस टीम की वीकनेसेस और साथ ही साथ स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें, सबसे पहले इस टीम की वीकनेस के बारे में बात करें तो इस साल इस टीम की जो थोड़ी बहुत वीकनेस रह सकती है वो दोस्तों एक तो हो सकती है इनकी मिडल ऑर्डर और एक हो सकता है इनका फिनिशिंग डिपार्टमेंट। दोस्तों यहाँ पर SRH की टीम के पास इस साल कोई उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर नहीं रहने वाला है, साथ ही में जो इनके फिनिशर्स है वो भी दोस्तों इस साल इनके पास कोई उच्च कोटि के नहीं है। लेकिन दोस्तों एक और बात बता दें कि यह जो वीकनेस है ऐसा नहीं है कि वो वीकनेस सिर्फ इस साल थी, यह वीकनेस SRH की टीम में साल 2019 में भी थी, 18 में भी थी और कुछ हद तक 2017 में भी थी। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए SRH टीम के पास जो मिडल ऑर्डर है ना तो वो 2018 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ना 2019 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिनिशिंग इनकी 2018 में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी जिसमें ये फाइनल तक पहुँचे थे, 2019 में कुछ हद तक ठीक ठीक थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर SRH की टीम की जो स्ट्रेंथ है वो दोस्तों इनका इस साल टॉप ऑर्डर है, साथ ही साथ इनके स्पिनर्स पेसर्स मतलब मिडल ऑर्डर के अलावा जितने भी ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें SRH की टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। और अब अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी पहले ही हफ्ते से IPL के लिए अवेलेबल हो जाते हैं तब दोस्तों ऐसा कोई कारण नहीं लगता जिससे SRH की टीम इस साल क्वालिफाई ना कर पाए, और SRH की टीम भी बहुत ही मजबूत टीम लग रही है। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में तीसरी टीम के बारे में बात करें तो दोस्तों तीसरे नंबर पर जिस टीम का नाम आता है वो टीम है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। दरअसल दोस्तों RCB की टीम जो इस साल RCB की टीम ने IPL 2020 में अपना जो स्क्वाड तैयार किया है वो दोस्तों साफ साफ पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल का RCB का सबसे बैलेंस्ड स्क्वाड लग रहा है। साथ ही में दोस्तों इस साल जो RCB की टीम ने सबसे बड़ा चेंज किया है, स्ट्रक्चरल चेंज, वो दोस्तों एक अपने लीडरशिप ग्रुप में किया है। दरअसल दोस्तों इस साल उनके पास सभी क्रिकेट ऑपरेशंस को संभालने के लिए अपना एक डायरेक्टर भी है, हेड कोच भी है। इससे दोस्तों RCB की टीम जो हर साल कुछ गलतियां कर देती थी उन गलतियों के होने के भी इस साल काफ़ी कम चांसेस है। साथ ही में दोस्तों अगर RCB टीम के सभी खिलाड़ियों की करंट फॉर्म देखी जाए, साथ ही में इनकी नेट्स की प्रैक्टिस देखी जाए, ट्रेनिंग देखी जाए, वहाँ पर भी दोस्तों RCB टीम के सभी खिलाड़ी उच्च श्रेणी के नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन से पहले तो दोस्तों RCB टीम के जितने भी खिलाड़ी थे वो सभी के सभी धमाल मचा रहे थे। इस साल दोस्तों RCB की टीम के पास स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, हर तरह के खिलाड़ी RCB की टीम के पास इस साल मौजूद हैं। साथ ही में दोस्तों अब अगर RCB टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में भी बात करें तो इस साल जो इनकी वीकनेस हो सकती है वो दोस्तों कुछ हद तक सिर्फ इनकी फिनिशिंग में नज़र आती है, वो भी दोस्तों फिनिशिंग
ऐसा हो सकता है कि काफी मैचेस में जब भी विराट कोहली एबी डिविलियर्स स्ट्राइक पर रह जाए, मोइन अली, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे अपने रंग रूप में आ जाए, तब दोस्तों फिनिशिंग की भी दिक्कत आरसीबी की टीम से खत्म हो जाएगी। और अगर इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इस साल इनका टॉप ऑर्डर भी अच्छा है, मिडल ऑर्डर भी दोस्तों हम कहेंगे कि काफ़ी हद तक अच्छा है। अगर इनके स्पिनर्स देखें या फिर पेसर्स देखें, आरसीबी की टीम का स्क्वाड इस साल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है और आरसीबी की टीम भी हमको इस साल क्वालिफाई करती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में दूसरी टीम के बारे में बात करें तो दोस्तों दूसरे नंबर पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास इस साल जिस तरह का स्क्वाड मौजूद है, सच में वैसा स्क्वाड किसी भी टीम के पास मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर हम सबसे पहले दिल्ली की टीम की वीकनेस के बारे में बात करें तो जो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है वो दोस्तों शायद यही है कि इस टीम की कोई वीकनेस ही नहीं है। क्योंकि अगर दोस्तों कोई भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम में कोई वीकनेस निकालना चाहे तो दोस्तों धक्के से तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन टेक्निकली हर डिपार्टमेंट में दिल्ली की टीम में कोई वीकनेस नज़र नहीं आती। वीकनेस तो है ही नहीं, स्ट्रेंथ इनके हर डिपार्टमेंट में है। इनका टॉप ऑर्डर भी अच्छा है, मिडल ऑर्डर भी अच्छा है, लोअर मिडल ऑर्डर भी अच्छा है, इनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, ओवरसीज खिलाड़ी भी इनके पास बहुत अच्छे हैं, इंडियन कोर तो दोस्तों इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त मौजूद है। मतलब दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास जो स्क्वाड है वो काफ़ी खतरनाक भी है, काफ़ी बैलेंस्ड भी है, काफ़ी ब्रूटल भी है। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी दोस्तों हमको इस साल अगर दिल्ली की टीम कमाल करती हुई नहीं नज़र आई तो दोस्तों हमें कुछ नहीं पता कि आगे कब दिल्ली की टीम कुछ कमाल करेगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम का जो स्क्वाड है वो इस साल काफ़ी खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब अगर हम इस लिस्ट में सबसे पहली टीम के बारे में बात करें तो दोस्तों पहले नंबर पर यहाँ मैं कुल दो टीमों को रख रहा हूँ। एक टीम होने वाली है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरे होने वाली है मुंबई इंडियंस की टीम। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तो हम क्या बात करें, अगर हम आईपीएल के प्लेऑफ्स के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों चेन्नई की टीम को तो हम सीधा फाइनल में इमेजिन करते हैं। मतलब ये तो सवाल ही नहीं आता कि चेन्नई की टीम क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं। इनके पास दोस्तों इनके स्ट्रेंथ तो सबसे बड़े इनके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हमेशा ही महेंद्र सिंह धोनी की छत्र छाया में कुछ ना कुछ कमाल जरूर करके जाती है और इस साल भी ऐसा तो कोई कारण नहीं लग रहा जिससे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्वालिफाई ना कर पाए। साथ ही मगर इनके साथ ही टीम मुंबई इंडियंस के बारे में बात करें तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम में जो इस साल मुझे सबसे बड़ी वीकनेस है वो दोस्तों एक इनका स्पिन लाइनअप है। यूएई में आईपीएल हो रहा है, वहां पर आपके पास बहुत ही ज़्यादा एवरेज स्पिनर्स है, तो दोस्तों उस टीम के ऊपर हमेशा ये क्वेश्चन मार्क रहता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुंबई की टीम के पास इस साल जो स्पिन लाइनअप है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या, एवरेज से भी नीचे नज़र आता है। कृणाल पंड्या, जयंत यादव, राहुल चहर, और इसी वजह से मुंबई इंडियंस की टीम में एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क रहने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों ऐसा ही लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम या फिर मुंबई इंडियंस में से इस साल कोई एक टीम ही क्वालिफाई करने वाली है। लेकिन दोस्तों जो पिछली तीन टीमें हैं, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम, ये तीनों टीमों के दोस्तों जो क्वालिफाई करने के चांसेस है वो इस साल बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। और तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी हो सकती है वह चार टीमें जो इस साल क्वालिफाई कर सकती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।